दोस्तों, टाइटल और थंबनेल आपने देखा ही होगा, ऐसा बोलने का कारण क्या है? असल में देखिए, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, मतलब लगभग 95% जो लोग हैं लोन लिए हैं ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन से, इंस्टेंट जो लोन देते हैं। तो लोन लेने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों का लोन देता है और आप लोगों को जब रिपेमेंट करना पड़ता है तब इतना ज़्यादा चार्जेस लगा देता है, तब आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, मतलब मानो कि आप लोगों का ओवरड्यू हो गया, कुछ दिनों का ओवरड्यू हो गया या फिर कई महीनों का ओवरड्यू हो गया, आप लोगों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं क्या हो रहा है, SMS वगैरह भेज रहा है, धमकी दे रहा है आप लोगों को। तो उसके बाद अभी जो मैसेजेस आ रहा है कि रिसेंटली है कि लोक अदालत का जो भी एक मैसेज आ रहा है आप लोगों का, जो भी जहाँ पर भी आप लोग रहते हो सभी के पास SMS गया है कि 14 मई को जो है एक लोक अदालत का जो हियरिंग है आप लोगों को वहाँ पे जाना है, ये सब SMS भेज रहा है अभी लोन कंपनी, स्पेशली जो है धनी वाला जो है ऐप वही कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा लीगल इन्फॉर्मेशन, मतलब लीगल टाइप दिखा रहा है डराने के लिए। देखिए, पहला बात जो है, हमारे इंडियन जो कोर्ट है यहाँ पे जो भी लोन रिकवरी का जो भी प्रोसेस होता है बहुत लंबा टाइम का होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें। मानो कि छोटा मोटा जो भी अमाउंट है या फिर कुछ भी जो भी अमाउंट आपने लिया है, 10,000-15,000 जो भी लिए हो आपने, जो कोई लोन अगर प्रोवाइड करता है, मानो कि मैंने किसी को लोन दिया है, किसी को कोई अमाउंट लोन दिया है, अगर मानो कि 5,000 दिया है या फिर 15,000 ही दिया किसी को, तो अगर मुझे उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट जाना पड़े इस और मुझे मतलब वहाँ पे 5,000-6,000 या फिर 10,000 से भी ज़्यादा वहाँ पर खर्चा करना पड़े और फिर जो है केस जो है इतना लंबा खींचने वाला है, वो अलग बात है, लंबा खींचेगा, कब सॉल्व होगा, कब रिकवर होगा वो अलग बात है, लेकिन खर्चा तो होगा। 15,000 के लिए मुझे और 15,000 खर्चा करना पड़ेगा, क्यों करूँ ऐसा? क्योंकि मुझे जो लोन मैंने लो लोन दिया है उसके लिए वापसी के लिए मुझे वही पैसा जो है उसके वजह से उसके बदले मुझे और भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी नहीं करता दोस्तों। ये जो आप लोगों के पास लीगल नोटिस वगैरह आ रहा है या फिर कोर्ट की तरफ से जो भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है, देखिए पहला बात है, आप लोग जैसे मेरा वीडियोस देखते हो, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं या फिर जो भी कंपनीज जो है ना ये सब वीडियो देखता है और देख रहा है कि ये लोग ऐसा ऐसा बोल रहा है, मतलब कोई रिकमेंड कर ही नहीं रहा है, इसलिए जो है खुद से एक अलग टाइप का जो भी है प्रोसेस अपना रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, होगा भी नहीं। ठीक है, ये लोक अदालत वगैरह ये सब जो भी है ये सब दिखावा है, ये भी फेक है। मानिए अगर कोई भी हियरिंग अगर होता है किसी भी कोर्ट से, अगर आप लोगों के पास हियरिंग का डेट देता है तो कोई भी किसी के हाथ में नहीं होता कि भाई पेमेंट कर दो इस डेट से पहले तो मैं ये प्रोसेसिंग रुकवा दूंगा। तुम कौन होते हो, अगर कोई कोर्ट डेट दे देता है कि 14 तारीख को हियरिंग है तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाला? ये सब है कि ये आप लोगों को डराने के लिए। आप लोग अगर कोई भी फेक एप्लीकेशन से लोन लिए हो, कोई भी स्लाइस लोन हो कि जो भी ऐसा हैंडी लोन, बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है मार्केट में, 600 से भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अभी, शायद और ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन अभी मार्केट में आ गया है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आप लोगों को। ये एप्लीकेशन क्या करता है, NBFC रजिस्टर्ड तो होता नहीं है, पहला बात है। NBFC रजिस्टर्ड होने के बाद भी जो है फ्रॉड एप्लीकेशन फ्रॉड तरीके से करता है, जैसे कि किस्त है, जैसे कि धनी है, ये टोटली फ्रॉड टाइप का करता है। जैसे कि किस्त करता है, क्या दिखाता है सिविल में कि आपको 90 डेज़ का जो है लोन देता है, लेकिन आप लोगों के सामने जो है 7 दिन या फिर 15 दिन का जो है लोन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन अगर सिविल में रिपोर्ट करता है तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि जो लोन दे रहा है उसका अमाउंट ड्यूरेशन कितना होता है, वो 7 दिन का अमाउंट दे के वहाँ पे सिविल स्कोर में अपडेट नहीं कर पाता, तो ये भी एक तरीके का फेक है, वो फ्रॉड ही अपनाता है, फ्रॉड ही प्रोसेस करता है। तो इसी तरह से जो भी है, मतलब धनी का करता है, धनी तो दूसरा का पैन कार्ड लेके या फिर डॉक्यूमेंट्स लेके छेड़खानी करता है, वो अलग बात है। अभी जो है ये जो एप्लीकेशन अभी नोटिफिकेशन आप लोगों को नोटिस वगैरह भेज रहा है कि आप लोगों के सामने वाला जो भी है इस कोर्ट में आप लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए पहला बात दोस्तों, अभी इंटरनेट या फिर गूगल का टाइम है, अभी आप लोग गूगल में सर्च कर लोगे ना कि कौन सा कोर्ट है आपके घर के बगल में या फिर कौन सा हाई कोर्ट है आपके शहर में, वो देखना अभी मतलब चुटकियों का काम है। तो यही करते हैं वो लोग। आप लोग जो सोच रहे हो, आप लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, मतलब आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉल सेंटर वगैरह है, ऐसा कोई कर रहा है कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करता दोस्तों। वो खुद से अपने घर से चलाता है, ऑपरेट करता है, खुद करता है, खुद का बीवी को लगाता है काम में, खुद का बेटे को लगाता है काम में, ऐसा करता है। एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप, स्क्रीनशॉट में देखिए जो भी एनवायरनमेंट है ये कहाँ सा है, ये आप किसी के घर से आया है। ठीक है, देखिए ये रूम के अंदर जो है फ़ोटो खींचा गया है, ये जो है छोटा छोटा घर के अंदर से खुद से ये करता रहता है। तो ये मानो कि अगर ये लोग इस तरह से जो है आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों को धमकाएगा कि आप लोगों को कोर्ट तक लेके जाएगा, इन लोगों का कोई भी औकात नहीं होता है कि आप लोगों को कोर्ट तक ले जा सके। पहला बात है, ये पुलिस तक भी नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जो भी एप्लीकेशन चला रहा है ऐसा तो फेक है, प्रोसेस जो भी है ये भी फेक है, ये प्रोसेस टोटली इलीगल प्रोसेस है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। जो भी अगर लोन लेता है उसके अंदर अगर कोई भी लोग 3 महीने तक अगर कोई रिपेमेंट नहीं कर पाता है तब NPA होता है, NPA होने के बाद जो होता है वो कोर्ट में जाता है केस। ठीक है, वो एक सिविल कोर्ट सिविल केस होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिविल सूट फाइल होता है जिसमें आप लोगों को कोर्ट में बुला के आप लोगों को
जो है बोलता है सेटलमेंट करता है, लेकिन वो कौन कर सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मानो कि 5 लाख 10 लाख या फिर कम भी, मतलब 1 लाख 2 लाख भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब एप्लीकेशंस के अंडर जो है ये इंस्टेंट लोन देता है, इन लोगों के पास ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, और इन लोगों को पता है कि अगर हम कोर्ट जाए तो कितना लंबा टाइम खींचेगा, हम ये पैसा को और डबल कैसे करें, हमको इंस्टेंट चाहिए पैसा, हम इंस्टेंट दे रहे हैं, हमको इंस्टेंट वापस चाहिए, कोर्ट के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। लेकिन ये लोग डराने के लिए आप लोगों के सिर्फ आप लोगों के साथ ये बदतमीज़ी करता रहता है। आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो, आप लोगों के साथ बोल रहे हैं जी ऐसा मुझे कर रहा है, घर में सच में एजेंट आएगा, अरे बाबा एजेंट कुछ नहीं होता, ये लोगों का कोई रजिस्टर्ड एड्रेस में कोई एजेंट आता ही नहीं है, जो भी होता है ये बाहर का खुद का, वो मतलब क्या बोलते हैं 2% का जो है लोग जो है आप लोगों के घर पे जाएगा। इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, आपका घर है, आप खुद से आप लोग सलटा सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। वो डराएगा, आप लोगों को बोल रहा है कि भाई पेमेंट करो। और फेक एप्लीकेशंस और भी एक बात अभी मैं बोल रहा हूँ, फेक एप्लीकेशंस में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोल रहे हैं भाई पेमेंट कर दूँ इसको तो फिर छुटकारा मिल जाएगा इससे। फेक एप्लीकेशन से अगर लिए हो लोन, अगर आप लोग मानो कि 5000 लोन लिए हो, डिसबर्स हुआ है 3000 या फिर 2000 और मांग रहे हैं 5000 पूरा या फिर उससे भी ज़्यादा, या फिर देख रहे हो पेनल्टीज़ लगा रहा है इतना ज़्यादा कि 5000 देने के बाद आप लोगों को मिला के बाद बता रहा है 10-12 हज़ार, टोटली फेक एप्लीकेशन है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता। पहला बात है, अगर ऐसा करता है कोई तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसका पेमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग पेमेंट कर दोगे तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों को डराए, डरा के आप लोगों को से पैसा लेना चाहता है। अगर आप लोग डर गए तो आप लोग पैसा दे दोगे, अगर वो लोग देख लिया कि भाई ये बंदा जो है डर के एक बार पेमेंट कर दिया तो चलो फिर से ट्राई करता हूँ, फिर से डराऊंगा, फिर से पैसा मिलेगा, यही लोग ऐसा करता है। तो सबसे ये विनती है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोगों के पास में कोई कॉल्स आ रहा है, सिंपली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सिंपली कॉल को ब्लॉक करो, SMS को इग्नोर करो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ ही दिनों का ये प्रॉब्लम्स होता है, लगातार फ़ोन कॉल्स आएगा और बाद में बंद हो जाता है, टोटली बंद हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरा जो दोस्त था वो 10 से 12 हज़ार का लोन लिया है, वो कहाँ से लिया, क्रेडिट भी और किस्त से, और ऐसा ही किया है, अभी उनके पास एक भी कॉल्स एक भी SMS नहीं आता। हाँ SMS थोड़ा बहुत आ जाता है कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन कॉल्स एक भी नहीं आता, कॉल्स टोटली बंद हो गया है। तो आप लोगों से भी यही विनती है भाई, फ़ोन मत रिसीव करो, अगर आप लोग उन लोगों का फ़ोन रिसीव कर लिए तो ही आप लोगों का ब्रेन वॉश होगा, आप लोग डर जाओगे, क्योंकि वो लोग ऐसा ऐसा बातें बोलता है, ऐसा ऐसा मतलब गाली देता है, तो आप लोग डर ही जाओगे। तो इसलिए जो है अगर वो लोग बोलता है, फ़ोन करता है आप लोगों को, रिजेक्ट द कॉल, अदरवाइज ब्लॉक द कॉल। अगर आप लोग ब्लॉक कर दिए तो आप लोगों का जो है प्रॉब्लम हल हो जाएगा, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे झट से आप लोगों के पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।